हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल इज इंटरनेट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बटन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग ऑनलाइन जो है नए टीवी शोज और मूवीज को देख सकते हैं। इनमें आपको हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड टीवी सीरियल्स ही ज्यादा मिलेंगे, बॉलीवुड नहीं मिलेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तानी या कोई और मुल्क के भी लोग नेटफ्लिक्स के पीछे जो है वो हमेशा पड़े होते हैं कि उसके कहीं से फ्री यूजर नेम और फ्री पासवर्ड मिल जाए और हम वहां से देखें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी सोच को दूसरी तरफ लेके जाएं तो इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है। आपको वहां पर अगर एक चीज़ नहीं अवेलेबल है तो दूसरी बहुत सारी उसकी चीज़ें अल्टरनेटिव मिल जाते हैं। तो नेटफ्लिक्स को आप लोग अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि मैं आपको जो साइट बताऊंगा वो बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह ही है, बल्कि उससे भी अच्छी है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लेटेस्ट मूवीज़ आती हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप लोगों ने अगर यूज़ किया, मैंने यूज़ किया हुआ है उसका फ्री नहीं बल्कि पेड वर्जन भी मैंने यूज़ किया है। उसमें होता क्या है कि पाकिस्तान में तो वैसे भी इतना अच्छा नहीं है, वो अभी लॉन्च थोड़ा ही अरसा हुए उसे, उसके ऊपर जो मूवीज़ होती हैं वो 5-6 महीने पुरानी होती हैं। अब 5-6 महीने में उस मूवी का अगला पार्ट भी आधा बन जाता है और रिलीज़ होने में 6 महीने रह जाते हैं, तब जाकर आप वो मूवी देखते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मूवी अगर देखनी है या टीवी सीरियल देखना है तो मज़ा तो तब भी है कि आप रिलीज़ होने के हफ्ते के अंदर अंदर देख लें, लेकिन इतना आपको ज़रूर पता होगा कि क्वालिटी में वो नहीं, ब्लू रे क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी इतने जल्दी किसी भी मूवी की, लेकिन वॉचेबल क्वालिटी आपको कुछ ही अरसे में मिल जाती है। मूवी के चलने पर डिपेंड करता है कितनी उस मूवी ने पैसा कमाया है, कितना जो है उसके क्रिएटर ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई उसके लीक होने पर या उसकी अच्छी स्क्रीन को अपलोड होने में कितना टाइम लगता है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउज़र में जाएँ और वहाँ पर मैं आपको एक साइट बताता हूँ, वो आपने टाइप करनी है। उसका नाम है flizanity.watch। इसका पुराना डोमेन था flizanity.com, लेकिन इन लोगों ने डोमेन चेंज किया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हो गया, साइट वही है। इसका बहुत ही अच्छा इंटरफेस ऊपर से आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये वेबसाइट बनी हुई है, बिल्कुल भी जिस तरह आपने बाकी देखी होंगी साइट्स ऑनलाइन मूवी करने, इस तरह एक्स मूवीज़ है और पुट लॉकर है, इस तरह की 2-4 वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर है, लेकिन इसमें अब आप लोग देखें आपको पॉपुलर ट्रेंडिंग नाउ लेटेस्ट एपिसोड्स, ये देखिए आपको ये यहाँ से सीजन्स मिल गए हैं, बहुत सारे सीजन्स हैं, आप लोग खुद से ढूंढ सकते हैं जो आपने देखना है। मैं एक्चुअली सीजन्स देखता नहीं हूँ तो मुझे खास पता नहीं सीजन्स का, लेकिन मूवीज़ मैं ज़रूर देखता हूँ तो उसका मैं आपको बता सकता हूँ कि ये देखें ये अब ये असल में ये जो मूवी है चिप्स वगैरह और इसका तो ब्लू रे भी आ चुका है, तो ये कोई इतनी खास नहीं है, आप इसको दोबारा देखिए, ये तो आपको कहीं और से भी मिल जाएगी। लेकिन कुछ मूवीज़ हैं जिस तरह फेट ऑफ द फ्यूरियस है और ये देखें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। अब ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इसकी स्क्रीन आपको ये पता होना चाहिए कि अभी अच्छी नहीं आई होगी इस वक्त पर, क्योंकि अभी ये बिल्कुल नई रिलीज हुई है, कहीं पर भी आपको ना मिले, शायद मिले कि भी तो कैमरा क्वालिटी में। अगर आपने मतलब ये वेबसाइट इसलिए अच्छी कि अगर आपने जो है कोई भी मूवी ऑनलाइन देखनी हो डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी साइट्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि कौन सी अच्छी हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं आप लोग डेस्कटॉप के ऊपर तो ये साइट मेरे ख्याल से बेस्ट है। अभी मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक दफ़ा चला कर कि वेबसाइट बिल्कुल ऑथेंटिक है और आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर ही मूवीज़ देखता हूँ और इसकी बफरिंग भी ज़्यादा नहीं है, अगर आपका इंटरनेट थोड़ा भी सही आ रहा है तो बिल्कुल ठीक चलेगी मूवी आपकी। और क्वालिटी इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग क्वालिटी चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा से कम अगर अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी, और उसके अलावा आप लोग सबटाइटल्स भी डाल सकते हैं। सबटाइटल्स आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है एक्सटर्नल, बल्कि इसके अंदर इंटरनल ही होते हैं, वही अगर आप डाल लें तो आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब ये आ गया आपके सामने, इस मूवी में मुझे लगता है अभी तक शायद इन लोगों ने ना दिया हो या यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस आईपी एड्रेस के साथ या कुछ कंट्रीज में लोगों ने किया हुआ है, आई डोंट नो, पहली दफ़ा ही हुआ है, लेकिन चलें ये भी अच्छा एक पॉइंट पता चल गया है कि इस तरह भी हो सकता है, तो चलें फेट ऑफ द फ्यूरियस ही लगा लेते हैं।
आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। देखें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर चीज़ के। जिस तरह इधर ही आपको लेकर नज़र आ रहा है ना, ये प्ले बटन उसमें नहीं था, मतलब उसका कुछ मसला होगा, मुझे नहीं पता क्या मसला है। इधर से आप लोग सोर्स भी चेंज कर सकते हैं और तो डाल सकते हैं, और जो सोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने प्ले किया, ये ऐड आया, इसको बंद कर दें, और अब ये लोड हो रही है। अब मुझे नहीं पता कितनी देर तक लोड होगी, लेकिन हो जाएगी। देखिए अभी क्वालिटी इतनी अच्छी आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंने खुद ये मूवी तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले सिनेमा में देखी है। उस वक्त अभी रिलीज़ हुई है, महीना 1.5 महीना शायद हुआ है इसको। तो अभी तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि आपको ब्लू रे मिल जाएगी किसी भी मूवी की। ख़रीदना चाहते हैं तो आपको शायद अमेज़ोन वगैरह पर मिल जाए, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगी। तो इसी तरह आप लोग इसी स्क्रीन में देख सकते हैं। अभी ये काफ़ी टाइम ले रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता है, नेट शेड स्लो आ रहा है इस वजह से। आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरी वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि चलती है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। वरना आप लोग ये ना कहें कि नेट ही के चलती ही नहीं है। जी अब आप लोग देख सकते हैं कि मूवी चल पड़ी है। अब मैं इसको आगे कर कर नहीं दिखाता हूँ कि ये ना हो कि फिर से रुक जाए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अगर ये चल गया थोड़ा सा आगे मैं करता हूँ, आप पता नहीं कितनी देर लेगी लोडिंग होने में, लेकिन देखें ये चल पड़ी है। अब वो तो जाहिर सी बात है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन पर सब कुछ डिपेंड करता है। अभी मेरा फ़िलहाल अच्छा नहीं आ रहा है, ये देखें चल ही गई है यहाँ से। मैंने अभी आवाज़ बहुत स्लो की भी आपको इसलिए नहीं आ रही, वरना आप लोग अगर ऊंची करेंगे तो आपको, और देखिए इतनी बुरी स्क्रीन भी नहीं, अच्छी खासी स्क्रीन है इसकी, आप लोग आराम से देख सकते हैं इसको। तो इसी तरह आप लोग बाकी टीवी सीरियल्स वगैरह और भी मूवीज़ भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर। जितना आप लोग डिस्कवर किसी भी चीज़ को करें, उतनी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता है। सो यही एक वेबसाइट है, बाकी कुछ वेबसाइट्स हैं आपको पता ही होंगे, फुटलॉकर वगैरह, लेकिन ये सबसे मुझे तो अच्छी लगी है। और नेटफ्लिक्स का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव मुझे यही साइट लगी है, जो कि फ्री भी है। लेकिन इसका एक है कि ये आपको एंड्रॉयड पर नहीं मिलेगी, मतलब इसकी ऐप वगैरह आपको एंड्रॉयड पर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए मैंने एक वीडियो शुरू में बनाई थी, शायद 4-5 महीने पहले अपलोड की हो, मेगा बॉक्स HD एक है एंड्रॉयड पे। प्ले स्टोर पर नहीं, आपको APK इसका डाउनलोड करना पड़ेगा अपने ब्राउजर से। वो आप लोग डाउनलोड कर लें तो एंड्रॉयड के लिए बेस्ट है मेगा बॉक्स HD। इस साइट का लिंक मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और एंड्रॉयड वाली जो वेबसाइट है मेगा बॉक्स उसका भी डाल दूंगा। सो होपफुली आज का ट्यूटोरियल आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।